दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि प्लीज सारे केबिन क्रू कम्युनिटी को टैग मत कीजिएगा और मुझे भी ये बात की गालियां मत दिलवाइएगा मेरे कोलीग से कि तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, तुमने हमारे सारे पोल खोल दिए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन सच्चाई ये उन लोगों की, चंद महज लोगों की है जिन लोगों ने इस प्रोफेशन के ऊपर दाग लगाया है। ये सिर्फ उनकी बात है, सारे ऐसे नहीं हैं। केबिन क्रू कम्युनिटी में बहुत सारे फैमिली ओरिएंटेड अच्छे लोग भी हैं जो इन सब कामों से बहुत परे हैं, जो अपनी फैमिलीज का ध्यान रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, सेव करते हैं और बिल्कुल बहाव में नहीं बहे, अपना कल्चर, अपना खाना, अपने लोगों को नहीं भूले हैं। तो प्लीज वीडियो देखिएगा अपने ओन रिस्क पे और नेगेटिव मत होइएगा। और जो माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका कोई बच्चा कहता है कि मुझे केबिन क्रू लाइफ में जाना है, एयर होस्टेस बनना है, उनको भी रोकिएगा मत, क्योंकि जो ये नौकरी आपको सिखाएगी वो आपको और कोई भी प्रोफेशन नहीं सिखा सकता। दिस इज अ वेरी गुड जॉब एंड आई एनकरेज कि लोगों को ये नौकरी करनी चाहिए, लेकिन इसमें जो चीजें मैं मेंशन कर रही हूं वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग इस केबिन क्रू लाइफ को काला बनाते हैं, धब्बा लगाते हैं, या कुछ बुरे लोग हमें हर इंडस्ट्री में मिलते हैं जो इन इंडस्ट्रीज में भी हैं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केंचो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बस एक ही वादा कीजिए कि सबको एक ही नजर से नहीं देखेंगे। जो आज मैं आपको बताने वाली हूं ना, कुछ अंदर की बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं आपको कही। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत जल्दी हम लोगों को स्टीरियोटाइप करते हैं, पांचों उंगलियां ना बराबर होती हैं ना उनको बराबर गिनना चाहिए। तो हर इंसान हर प्रोफेशन में जो होता है या किसी सेम प्रोफेशन में होता है, जरूरी नहीं एक गलत है तो सब गलत है। तो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आप जज नहीं करेंगे, तो मैं आपको कुछ सीक्रेट्स आज बताऊंगी केबिन क्रू एयर होस्टेस की लाइफ से जुड़े हुए, उनकी जिंदगी के कुछ एक ऐसे काले सच जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताए। और आच दिल खोल के बात करेगी ये ममता सचदेवा आपसे, लेकिन बिना जजमेंट के। सो प्लीज जज मत कीजिएगा, आपने अभी भी वादा किया है मुझे। हर प्रोफेशन अपने आप में खूबी होता है और हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। तो एयर होस्टेस केबिन क्रू के बारे में जो बातें हमारी सोसाइटी में चलती हैं, बहुत ही गलत चलती हैं, जिनके ऊपर पहले भी मैंने जिक्र किया है। उनको कई लोग बेडशीट्स की तरह भी कहते हैं कि वो एक बेड की बेडशीट हैं, कहीं पे भी कोई भी उनके ऊपर सो सकता है। आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट आई एम गिविंग, बट यस इट्स ट्रू, लोग ऐसा बोलते हैं। लोग यहां तक बोलते हैं कि केबिन क्रू का लाइफस्टाइल बहुत खराब होता है, शराब पी के पड़े रहते हैं, सारा टाइम पार्टीज करते हैं, सारा टाइम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो क्या है इन सारी चीजों के पीछे की सच्चाई, उसको वन बाय वन लेंगे। अगर आपको लगता है वीडियो आपको इंटरेस्ट कर रही है तो इसको एंड तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक करना भी मत भूलिए अगर आपको पसंद आ रही है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू, मैं ममता सचदेवा अब शुरुआत करती हूं आपको हमारी लाइफ के, केबिन क्रू लाइफ के कुछ सच और कुछ काली सच्चाइयां बताने के लिए। तो सबसे पहली बात क्या है, देखिए कोई भी ऐसी लड़की या लड़का जो निकल के आते हैं ऐसे घरों से जो बहुत ज्यादा पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक महज 12वीं करने के बाद, 12th करने के बाद वो इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक केबिन क्रू प्लस टू ही पढ़ा हुआ होता है। कई लोग बहुत अच्छे स्किल्स वाले, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनको जो काम उन्होंने पहले किया होता है वो जमता नहीं है और वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं सिंपली कुछ एक रीजंस की वजह से। वो रीजंस क्या है, स्पेशली बात करूंगी लग्जरी सेगमेंट क्रू, जो हम लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे रहते हैं, लंबी फ्लाइटों पे रहते हैं, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस में रहते हैं जहां बैक टू बैक इतनी फ्लाइट्स नहीं होती कंपेयर टू डोमेस्टिक एयरलाइंस के। तो वो लोग अपने उन बोरिंग प्रोफेशंस या पढ़ाई या जो ऑफिसेज में काम करते हैं नहीं करना चाहते, या कोई न्यू फ्रेशर्स भी जो अपना करियर इसी प्रोफेशन में बनाना चाहते हैं, क्योंकि महज 12वीं करके आप इस प्रोफेशन में आ सकते हो, बहुत पैसा बना सकते हो। इसके अलावा उनको क्या चीज अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से वो जॉब्स छोड़ते हैं या अपना करियर इस जॉब से शुरू करना चाहते हैं, वो होता है हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल। क्या आप फिल्म स्टार्स का लाइफस्टाइल कहते हैं, सेम टू सेम लाइफस्टाइल क्रू का होता है। आई एम श्योर अगर आपने किसी क्रू का इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे प्रोफाइल देखा होगा, इट्स द सेम थिंग। उन लोगों को 5 स्टार्स में स्टे फ्री मिलता है कंपनी की तरफ से, हाई प्रोफाइल खाना, फ्लाइट में हाई प्रोफाइल लोगों से मिलना, वीआईपी लोगों से मिलना, अच्छी प्रोफाइल के लोगों से मिलना, स्पेशली लॉन्ग फ्लाइट्स की बात कर रही हूं मैं, और इंटरनेशनल जगह पे अगर वो काम करते हैं बहुत ही पॉलिश्ड एनवायरनमेंट रहता है, जो कि
कितना भी पढ़ लिख के बहुत सारे ऑफिसेज में वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया जा सकता। जब हम अपने सेम लोगों में सेम नेशनैलिटी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन हम जब डिफरेंट नेशनैलिटीज में काम करते हैं सीखने को भी मिलता है, चार्मिंग भी है, ग्लैमर भी है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने को मिलता है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं इस जॉब के लिए। और सबसे बड़ा फैक्टर रहता है पैसा। जैसा कि मैंने कहा हाई प्रोफाइल लाइफ, तो शुरुआत कर लेते हैं पैसा। पैसा सबका हॉट फेवरेट टॉपिक है आज, तो पैसे के लिए कोई इंसान कुछ भी कर जाए, राइट? तो पैसा एक ऐसा फैक्टर है जो कैबिन क्रू जॉब में बहुत अच्छा मिलता है। और जैसा मैंने कहा, महज एक ट्वेल्थ करने के बाद ही इस प्रोफेशन में जो लोग आ जाते हैं, जो मैनेज कर लेते हैं इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्रैक करना भी कोई आसान बात नहीं है, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। तो जो लोग इसको पास करके इस जॉब में आ जाते हैं, अच्छी सैलरी शुरू से उनको मिलती है, होटल स्टे मिलना शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोलीग्स को देख के, दूसरे लोगों को देख के उनका जो रहन सहन है बहुत पॉलिश्ड हो जाता है, बातचीत पॉलिश्ड हो जाती है, और कहीं ना कहीं विद द एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्रू मेंबर्स इसी लाइफस्टाइल के एक फेक बबल में जीना शुरू कर देते हैं। मैंने इसको फेक बबल इसलिए कहा है, सबके लिए नहीं कह रही हूं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जहां से आए हैं उस कल्चर को, उस लैंग्वेज को, अपने लोगों को, चीजों को बिल्कुल ही ऐसे पीछे छोड़ देते हैं और आगे एकदम से इतना बढ़ जाते हैं कि अपना मतलब अपने देश का लैंग्वेज, खाना, किसी चीज को भी ना वो एक्सेप्ट करते हैं, ना एडमायर करते हैं और तारीफ भी नहीं करते, और यहां तक भी बोल देते हैं कि प्लीज डोंट टॉक टू मी इन हिंदी, डोंट टॉक टू मी इन पंजाबी, डोंट टॉक टू मी इन मराठी, आई स्पीक ओनली इंग्लिश। सो दोज आर द पीपल आई हैव अ प्रॉब्लम विद, जो लोग हमारी इंडस्ट्री को और ज्यादा काला बनाते हैं और धब्बा लगाते हैं। देखिए, मुझे गलत मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इसी प्रोफेशन में, लेकिन मैं जिस प्रोफेशन से हूं, जो मैंने वहां पे नोटिस किया, मैं उसकी बात कर रही हूं, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशंस में भी बहुत सारी सिमिलर चीजें होती होंगी। दिस इज नॉट अ ब्लेम गेम, दिस इज जस्ट अ रियलिटी विच आई एम टेलिंग यू। अभी नेक्स्ट बात आती है, हाई प्रोफाइल लाइफ में और क्या इंक्लूड होता है। जैसे बॉलीवुड स्टार्स हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री है, जो मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल का हिस्सा लोगों के देख देख में बन जाते हैं। कुछ एक महज लोग होते हैं जो अपने आप को इस ग्लैमर लाइफ में होते हुए भी अपने आप को जमीन पे अपने पैर टिकाए रखते हैं, अपना कल्चर नहीं छोड़ते, अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ते, अपना खाना नहीं छोड़ते, अपने संस्कार नहीं छोड़ते, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, बहाव में बह जाते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ होता है ये कि वो लोगों की देखा देखी में बेहद शराब पीते हैं, लोगों की देखा देखी में बेहद सिगरेट फूकना शुरू कर देते हैं या कई तरह के और नशे करना शुरू कर देते हैं। मैं फिर कह रही हूं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो प्लीज इसको ये मत सोचिएगा कि जितने कैबिन क्रू आपको मिलते हैं वो सब ये करते हैं। दिस इज नॉट अ फैक्ट। मैं भी आपके सामने खड़ी हूं, आपके सामने है कि मैं अपने घर का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चे का, हर चीज का कितना ख्याल रखती हूं। अभी तक मेरी जबान जो है, मैं अपनी लैंग्वेज प्रेफर करती हूं, अपना खाना प्रेफर करती हूं, तो मैं भी उसी इंडस्ट्री से निकली हूं, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूं जो एक फेक बबल में, एक फेक लाइफस्टाइल में घुसते हैं, जो उनको प्रिविलेज मिलती है लेकिन वो उसमें इतना खो जाते हैं और उसी बहाव में बहते हुए वो अपना आप, अपना कल्चर और खुद का अस्तित्व बिल्कुल ही भूल जाते हैं। फिर एक फेमस चीज जो लोग हमेशा कहते हैं, क्रू मेंबर्स के रिलेशंस बहुत होते हैं। देखिए, तरह तरह के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर इंडस्ट्री में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो फ्लिंग्स करते हैं, जिनको अगर एक उनका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है तो दूसरा रिलेशनशिप बन जाता है। सो मैं इसको टैग सिर्फ क्रू के साथ नहीं करना चाहती। देखिए, ये एक साइड इफेक्ट होता है अकेले रहने का भी। जब एक इंसान अकेला है, उसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए, पर उसका ये मतलब नहीं है आज कोई और कंपनी और कल और। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों में देखा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये हो रहा है कि एक से मन भरा और दूसरा रिश्ता अगले ही दिन वो जोड़ लेते हैं, जो कि मेरे नजरिए में बहुत गलत है। अगर किसी के साथ कमिटमेंट रखो तो अच्छे से रखो, निभाओ तो पूरा निभाओ। अगर लड़ाई भी होती है तो उसको पैचअप करो, एक दूसरे को समझो और आगे बढ़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन में भी मैंने ये चीजें होती हुई देखी हैं, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, कि ये भी हमारी इंडस्ट्री का एक काला सच है कि लोग इतने अकेले हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं सिर्फ कमाने में, जाने में, पैकिंग में, फ्लाइट में, कि उनको इतना अकेलापन लगता है कि उनको भी एक लगता है कि कंपेनियन होना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ है, इतनी ग्लैमरस लाइफ है, अगर उनको जरा सी भी प्रॉब्लम अपने रिलेशन में लगती है तो फटाफट से उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक काला सच है कि क्रू मेंबर्स बहुत अकेले होने की वजह से शायद हो सकता है कि ऐसा होता हो। ये मेरा नजरिया है, मैं सबको टैग नहीं कर रही।
एक चीज जो मैं कहने नहीं वाली थी लेकिन अब कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे फोन करके ये बात बताई है। अभी आपको मालूम है कोविड चल रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, चाहे कंपनी के पास पैसा नहीं था उस वजह से गई हैं, या कोई भी टर्मिनोलॉजी उसकी लगा लो, जो लोगों की बच गई है वो अपने ही कॉलीग्स को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट काला सर जो क्रू का है वो ये है कि जब एक हाई प्रोफाइल लाइफ में वो लोग आते हैं तो वो दूसरों को थोड़ा सा नीचे देखना शुरू कर देते हैं, विच इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं किया, या बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो ऐसा नहीं करते। मैं अगेन कह रही हूं, सबको टैग मत कीजिएगा, लेकिन कुछ एक यस चंद लोग हैं ऐसे हमारी इंडस्ट्री में जो अपनी इस जॉब को और इस एक फेक लाइफ को इतना लाइफ में सीरियस लेके सच मान बैठते हैं कि वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं, चाहे वो उनसे हाईली एजुकेटेड है, अच्छी जॉब पे है, ऑफिस में है, क्योंकि उनका सेम लाइफस्टाइल नहीं है। क्योंकि हर इंसान कैबिन क्रू की लाइफ की तरह मतलब लकी नहीं है कि हर दूसरे दिन वो किसी और कंट्री में घूम रहा है, या होटल में रुक रहा है, या इतनी सैलरी कमा रहा है। तो दूसरों को हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद, अच्छी पोजीशन होने के बावजूद, ये प्रिविलेज नहीं मिलती जो एक क्रू को मिलती है, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स दूसरों को बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं और समझते हैं कि दूसरा उनके सामने कुछ नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए। अगेन, सब ऐसा नहीं सोचते। फिर बारी आती है, कहीं ना कहीं कहते ना, देख के खरबूजा दूसरे को रंग बदल लेता है। तो देखा देखी में जो लाइफस्टाइल लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, विच इज अ रॉन्ग थिंग, हमारे यहाँ भेड़चाल कुछ ज्यादा ही होती है। उसने ये पहना है तो मुझे भी ये चाहिए, उसके पास वो ब्रांड है तो मुझे भी चाहिए, उसने वो हैंडबैग खरीदा तो मुझे भी चाहिए। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सैलरी में से एक पैसा नहीं बचाते, घर भी नहीं भेजते, कुछ भी हेल्प नहीं करते किसी की, और ऑल द टाइम ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और देखा देखी क्या होता है, शोशे के चक्कर में, पार्टीज के चक्कर में, और क्योंकि उन्हीं लोगों में उनको बैठना उठना है, तो वो भी क्या करते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं इन ब्रांड्स। मैं ये नहीं कहती ब्रांड्स नहीं लेने चाहिए, मेहनत का पैसा है भैया, थोड़ा सोच के चलो। मैंने भी अपनी जिंदगी में पहले 9 साल कभी बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया था, मैं बहुत ही कंजूस थी, मैं अभी भी कई चीजों में बहुत कंजूस हूं, विच इज गुड फॉर मी, मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है, मैं उसको अच्छे से यूज करती हूं। लेकिन ठीक है, कभी कभार आपने अपने बर्थडे पे, किसी स्पेशल ओकेजन पे अपने आप को पैम्पर करने के लिए कुछ ले लिया, लेकिन नॉट ऑल द टाइम जस्ट फॉर द शो ऑफ। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक क्रू की लाइफ के साथ एक डिसएडवांटेज या काला सच आता है कि कहीं ना कहीं दूसरों को देख के वो थोड़ा सा बह जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, और वो गलत ब्रांड्स में, गलत चीजों में भी इन्वेस्ट करते हैं। और बाद में कल को देखिए अभी क्या हो रहा है, जब जॉब्स गई हैं, कितने लोग हैं जॉबलेस है और उनके बैंक में भी पैसे नहीं है, रो रहे हैं लिटरली। सो दिस इज, अगर कोई क्रू देख रहा है तो यार इससे ये सीख लेना एटलीस्ट कि ये गलतियां आप ना करो आने वाले टाइम में, बी दैट वन जो ऐसा ना करे। रिलेशंस की वैल्यू, लोग फ्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्रू मेंबर की वो जिंदगी का हिस्सा है। इसमें मैं शायद क्रू की साइड लूं, क्योंकि बेचारे फ्लाइट जब करते हैं थके हुए आते हैं, सो जाते हैं, तो कई बार कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कई इंपॉर्टेंट बर्थडेज, एनिवर्सरीज, पर्सनल फैमिली टाइम, बहुत सारा सेक्रीफाइस उनका हो जाता है। लेकिन मैंने लोगों में ये भी देखा है कि वो एफर्ट भी नहीं करते कुछ टाइम के बाद कि कुछ चीजों को वो जिंदा रखें, जैसे कि अपने फ्री टाइम में अगर वो चाहें तो वो ये टाइम अपनी फैमिली या अपने घर वालों को दे सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये बहुत हाई प्रोफाइल यू नो जॉब है। तो लोग जब बहते हैं ना किसी एक तरफ, मतलब पार्टियां करने लगते हैं तो पार्टियां करने लग जाते हैं, शराब पीने लगते हैं तो शराब पीने लग जाते हैं, सिगरेटें पीने लगते हैं तो सिगरेटें पीने लग जाते हैं, तो वो बैलेंस करना भूल जाते हैं। तो ये भी एक सच है, क्रू का एक काला सच, कि वो लोग बैलेंस नहीं कर पाते ढंग से, खो जाते हैं इस सब बबल में। उनको बस फ्लाइट्स, फ्लाइट के बाद मैं फ्लाइट, इस फ्लाइट पे जा रहा हूं, इस फ्लाइट से आ रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, मैं पार्टी करनी है तो क्रू के साथ करनी है, बॉयफ्रेंड है तो भी क्रू में है, लाइफ है तो भी क्रू में है, मूवी देखने जाना है तो भी क्रू में है। तो वो क्रू 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 इतना खेल के सारा जो अपनी जिंदगी के आसपास का जो एक सर्कल है ना, वो क्रू समेत ही इकट्ठा कर लेते हैं। और कल को मान लीजिए अगर वो इस क्रू लाइफ से निकलेंगे, जिन लोगों की मैं बात कर रही हूं उनका क्या हाल होगा, जरा सोच के देखिए, उनकी तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, दे विल हैव नो वेयर टू गो, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सारे रिलेशंस क्रू कम्युनिटी के बीच में रखे, उन्होंने बाहर वालों को कभी मौका ही नहीं दिया, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, अपनों को, किसी को भी नहीं। तो ये भी एक काला सच है कि वो रिश्ते थोड़े कम निभाते हैं कंपेयर टू अदर्स। क्रू मेंबर्स का एक और काला सच, चूजी, बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं। देखिए, मानिए कोई छोटे शहर से निकल के आया या आई, आके उसको एकदम से 5-स्टार होटल्स, अच्छी सैलरी, रहने को, खाने को, शोहरत, नाम, हर चीज मिल गया। बहुत सारे लोग आए होंगे, मेरी तरह भी आए हैं,
लेकिन कुछ लोगों ने टाइम से डिसाइड किया कि नहीं भैया ये परमानेंट नहीं है, इस चीज को मैंने अभी जीना है कुछ साल, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्परेरी, लेकिन मुझे अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लोग शायद इस कहते हैं ना भूल भुलैया में खो जाते हैं, पैसे में, शोहरत में, होटेल्स में, लाइफस्टाइल में, तो वो कभी जिंदगी में किसी एक नॉर्मल इंसान को आने का मौका नहीं देते। उनकी जो एक्सपेक्टेशन है एज अ पार्टनर बहुत ऊपर हो जाती है। उनको या तो पायलट से शादी करनी है या किसी ऐसे बंदे से शादी करनी है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। मैं मेजोरिटी की बात करती हूँ, अगेन सबकी बात नहीं कर रही, मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो ऐसी सोच नहीं रखते। मैंने शादी 23 या 24 साल की उम्र में की, नॉर्मल मेरी इंडस्ट्री का भी बंदा नहीं है, मेरा कोई फ्लिंग नहीं रहा मेरी कंपनी में, मेरा कोई अफेयर नहीं रहा किसी के साथ में, मैंने किसी कैप्टन किसी क्रू को कभी डेट नहीं किया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आई शुड हैव सेड दैट एनीवेज, बट मैंने नहीं किया। तो बहुत सारे मेरे जैसे लोग भी होंगे जिन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी होता है इस बहाव में बहना, जब आपके पास सब कुछ एकदम से आता है ना, तो आप छोटी छोटी लोगों की, छोटी छोटी चीजों की, उनकी छोटी छोटी बातों की वैल्यू करना भूल जाते हो। तो क्रू मेंबर्स का एक और काला सच ये है कि वो अपनी ही दुनिया में इतना खो जाते हैं कि वो एक नॉर्मल अच्छे इंसान के, जो आपकी जिंदगी में आ सकता है, एक अच्छा पार्टनर बन सकता है, लेकिन उसके जज्बातों को वो उसकी कदर नहीं करते। वो हमेशा कोई ऐसा चाहते हैं जो उनसे भी थोड़ा एक स्टेप ऊपर हो। अब मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब एक कैबिन क्रू लाइफ में वो लोग इतने होटल्स में या हर चीज में रहते हैं आए दिन, कंपनी पैसा देती है, रहने को देती है, जो भी खाना कई एयरलाइंस देती हैं साथ में स्टाफ को, तो कल को मैं पूछती हूँ जब आप इस बबल से कभी निकलोगे, इस फेक दुनिया से निकलोगे, तो कहाँ आप स्टैंड करोगे? अगर आपने आज ये नहीं सोचा तो आप कभी नहीं सोच पाओगे। अगर आप में से कोई मेरा कलीग है या कोई इस इंडस्ट्री से है, इन सारी बातों को नेगेटिव लेने की बजाय मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा पॉजिटिवली सोचें। उस टाइम के बारे में जरूर सोचें कि देखिए वक्त किसी का भी खराब हो सकता है, वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। आज किसी और की नौकरी गई है, कल आपकी भी जा सकती है। सो स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। ये जो कुछ बबल्स और नकली चीजें आपने अपने सामने क्रिएट कर रखी हैं, उनको इस तरह से एनालाइज कीजिए कि भाई कल को ये जॉब मेरे पास नहीं है तो क्या मैं रोज 5 स्टार में डाइनिंग करने जाऊंगा या जाऊंगी, या मैं क्या रोज इतनी महंगी पार्टियां अटेंड कर सकता हूं, या मैं क्या इतने महंगे ब्रांड्स मतलब अफोर्ड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये सच से जानकारी, अपने आप को जागरूक करना बहुत जरूरी है। ये हाई टाइम है, क्योंकि कितने लोगों ने मुझे फोन करके ये कहा, कुछ कलीग्स की नौकरी चली गई और कुछ कलीग्स नौकरी की बच गई, तो उन्होंने अपने कलीग्स को ही डाउन देखना शुरू कर दिया, उनको बोलना शुरू कर दिया कि तुम में कोई कमी होगी, उनको इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि वो लोग लिटरली मुझे रोते हुए फोन कर रहे थे कुछ लोग। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी क्रू कम्युनिटी से, या जो लोग क्रू कम्युनिटी से बाहर भी हैं, जो एक चंद महज लोग ऐसे हैं ना जो इस बबल में जी रहे हैं, नकली बबल में, प्लीज इससे निकलो, रियलिटी में जियो, लोगों की कद्र करो, और ये जितनी भी काली चीजें मैंने बोली हैं इनको ना भैया हटा के दिखा दो, ताकि लोग भी कहें कि नहीं भाई क्रू का सच ऐसा नहीं है, क्रू डिफरेंट भी होते हैं। तो बी दैट वन डिफरेंट वन वुड बी गुड फॉर अस। एंड आई होप गाइज कि ये कुछ एक चीजें मैंने बताई हैं, प्लीज अगेन डोंट टैग एवरीवन, सब ऐसे नहीं है, सब क्रू जिनके बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड सोचते हैं कि वो वहां जाके चीट करती हैं, नहीं करती, उनकी भी फैमिलीज होती हैं, वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, फैमिलीज को फीड करती हैं। कई घरों में तो सिर्फ बेटियां ही कमाती हैं, उनके बेटे कमाते नहीं है, या अदर वे राउंड कह लो कि 10 परिवार के मेंबर्स हैं और एक लड़का कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो महज छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं और कभी अपने लिए कोई चीज नहीं खरीदते, खाना नहीं खरीदते, अपने लिए नए कपड़े नहीं लेते, उनको लगता है कि वो अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं। या उस टाइम पे जब लोग अपनी अयाशियों में लगे होते हैं, यंग एज में, टीनेज एज में, घूमने फिरने में, और वो बेचारे 18 साल की महज उम्र में आके कैबिन क्रू बनके डोमेस्टिक एयरलाइंस में काम कर रहे होते हैं टू सपोर्ट देयर फैमिली। तो हमेशा हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, सिर्फ नेगेटिव को मत देखिए, इस पॉजिटिव को भी देख लीजिएगा। पर यस, जो मैंने एक काली सच्चाई बताई है क्रू लाइफ की, वो भी वहीं पे ही है, पर महज जो चंद लोग हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस काली सच्चाई से जितनी जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि सच्चाई हम सबके सामने आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। तो चलिए, मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे भड़ास मत निकालिए कि तुमने यार ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, यही सच है, और आई एम श्योर मेनी पीपल नो अबाउट इट, एंड बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं एज आई सेड ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, और बताना मत भूलिएगा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप और वीडियो सुनना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो। टेक केयर फॉर नाउ, गुड नाइट।